गाइज वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। और आज है छोटी दिवाली, तो मेरी तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली। तो आज मैंने घर को सजाया, तो मैं सोची कि आज आप लोगों को होम टूर दे देती हूँ मेरे घर का, जो हमने अभी लिया है, 3 महीने पहले नया फ्लैट लिया है। तो चलो मैं बाहर से आपको दिखाती हूँ और अंदर तक दिखाती हूँ। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चलो दिखाती हूँ मेरा प्यारा सा घर। तो ये है बाहर का मेन एरिया जहाँ से हम लोग एंटर करते हैं, यहाँ से जाते हैं। और ये सब मैंने अभी दिवाली का डेकोरेशन किया है। आइए मेरे साथ। ये है मेरा प्यारा सा हॉल और ड्राइंग रूम, जहाँ पर हम लोग बैठ के खाना खाते हैं और टीवी देखते हैं। और ये सब डिज़ाइन सब मेरी पसंद का है, सोफ़ा मेरी पसंद का कलर और एक झूमर, ये सब हमारी पसंद के हैं, मेरी पसंद के। और मैंने इस हॉल को बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बनाया है और इसमें सारे अट्रैक्टिव पीसेस हैं जो पूरा डेकोरेशन में मैंने लिए हैं यूज़। और तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये पूरा जो है ये POP का हमने बनवाया था अपने डिज़ाइन से, अपनी पसंद से। और सब में लाइट लगी हुई है और नया डिज़ाइन है, POP से बनता है। तो ये सब मैंने अलग अलग जगह से अलग अलग चीज मंगवाई है। और यहाँ पर आएगा अभी बड़ा TV, जो अभी छोटा ही लगा रखा है, 52 इंच का इसमें आ सकता है, इतना स्पेस छोड़ा है। तो ये बड़ा TV रखने के लिए अभी बाद में सोचेंगे, अभी थोड़ा बजट नहीं बैठा है। तो ये है मेरा प्यारा सा हॉल, और जिसमें मुझे बहुत, सबसे ज्यादा मुझे इस घर में ये हॉल ही बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये मैंने खुद अपने हाथों से सजाया है। ठीक है, तो चलो आइए। और इधर है बहुत बड़ी खिड़की, ये देखिए, ये है बाहर का हमको मेन, जो मेन गेट है वो दिख जाता है। यहाँ से स्टार्ट होता है अब मेरा सेकंड जो फेवरेट जगह है, वो है ये प्यारी सी छोटी सी गैलरी, जहाँ से एक टॉयलेट है और 2 रूम का रास्ता जाता है। और ये है मेरी किचन, और ये किचन भी मैंने ही कलर वगैरह सब मैंने पसंद किया है, जो भी कलर था उसका और फर्नीचर का कलर सब मैंने पसंद किया है। और ये इधर है इस किचन की बालकनी, जिसमें हम कपड़े वगैरह धोते हैं और मशीन रखा है, और सामने का फ्रंट दिखता है। ठीक है, ये देखिए मेरी पूरी किचन। और यहाँ पर है एक टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट, बाहर का भी कोई गेस्ट आ गया तो यहाँ जा सकता है, ये इंडियन टॉयलेट है। और आइए ये देखिए मेरी प्यारी सी गैलरी, जो कितनी सुंदर है। और उसके बाद आता है, ये है मेरे बच्चों का रूम, अभी इसमें बेड लाना बाकी है, बेड के लिए भी थोड़ा हाई बजट नहीं है। और यहाँ पर एक अलमारी है, और इधर ऐसे नहीं, यहाँ पर भगवान जी का भी मंदिर है, ये मेरे कान्हा जी हैं। और एक अलमीरा यहाँ देवी है पूरी, बच्चों के लिए ही है पूरा ये रूम, तो बच्चों के ही कपड़े हैं इसमें। यहाँ में हम बिस्तर वगैरह कम्बल वगैरह रखते हैं, और अभी इसमें बेड लाना बाकी है, बच्चों का बहुत सारा सामान लाना बाकी है। तो चलिए ये रूम हो गया, ये पूरा देखो, यहाँ सब लाइटिंग वगैरह और POP सब मेरी पसंद की है, सब मैंने बनवाया डिजाइन, देख लो। अब यहाँ से आते हैं हमारा जो मास्टर बेडरूम है हम दोनों का, वो है ये। ठीक है, ये है हम दोनों का रूम, इसमें भी हमारे कपड़े हैं, हमारे दोनों के ही हैं, ये बेड है। और ये भी प्यारा सा मैंने खुद अपने हाथों से सजाया है, प्यारा सा बेडरूम। और ये देखिए, ये है मेरा सबसे थर्ड फेवरेट जगह, वो है ये मेरी बालकनी, जो मैंने कई बार ब्लॉग में आपको दिखाई है कि मैं खुद अपने हाथों से ये पूरे प्लांट लगाई हूँ और सब डेकोरेट की हूँ। यहाँ पे कपड़े वगैरह भी डाल देते हैं बारिश वगैरह में, और बालकनी, और बैठ भी जाते हैं, चाय वाय पी लेते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे बहुत हरा भरा है, ये देखिए पेड़ भी है और सारे, मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है बैठो तो, शाम को बैठ जाओ चाय वगैरह पी हो। तो अभी इधर भी थोड़ा सा काम बाकी है, क्योंकि यहाँ पर रेलिंग लगवानी है, और रेलिंग पे सारे पौधे चले जाएंगे, उसके बाद ही वो करेंगे। तो देख लीजिए पूरा बाहर से हरा भरा है एकदम, और यहाँ से सामने मेन गेट भी दिखता है। कैसा लगा मेरा प्यारा सा और छोटा सा घर? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।